प्लान हमारा इस 9 जून वाले मुकाबले में क्या होगा इंडियन टीम के खिलाफ। उमर भाई वो बंदा जिसने हमें हर दफा नाको चने चुपाया है, ठीक है, विराट कोहली, आपके हिसाब से उसके खिलाफ क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी होगी? यार बिल्कुल, अगर न्यूयॉर्क की पिच इतनी मतलब स्विंग वाली है और अच्छी पेस भी निकल रही है और बाउंस भी अच्छा है, तो अगेंस्ट कोहली के काफी अच्छा प्लान बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, ठीक है, और विराट कोहली हमेशा हमें इस तरीके से पड़ जाता है और मैच हमारी हमारे पास से बिल्कुल वन साइड कर देता है। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली को राउंडर विकेट करवाए शाहीन बॉल, शाहीन ने ऑलरेडी पहले भी आउट किया हुआ है और मुझे लगता है कि शाहीन को बिल्कुल सोचना चाहिए पिच को लेके और विराट कोहली को वो आउट कर देगा। सवाल ये भी साथ बनता है कि जिस जगह पे मैच है, क्या आपको लगता है ये वही पिच देंगे जो मैच दो हो चुके हैं, बांग्लादेश इंडिया वाला और अफ्रीका लंका वाला जो मैच हो गया है, जिसपे सीमर्स को बड़ी मदद मिल रही है, बड़ा स्विंग मिल रहा है और अनप्लेएबल बॉल्स वो लोग कर रहे हैं, तो ऐसा पिच क्या आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में होगा? क्या आईसीसी ऐसा करेगा? क्योंकि अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब यह है कि फिर जो पाकिस्तान के चार बॉलर्स है ना, बेशक इंडिया के अच्छे बॉलर्स है, लेकिन वो जो चार बॉलर्स है वो फिर इंडिया के बल्लेबाजों के लिए जिसको कहते हैं ना बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इतना जो बॉल स्विंग होगा फिर चाहे वो जितने अच्छे बल्लेबाज हो उनके लिए खेलना आसान नहीं होगा। यार इस मरतबा देखा जाए ना तो इंडिया भी अपनी बड़ी तगड़ी बॉलिंग लेके गया, उसने ज्यादातर अपना जो है ना अटेंशन जो डाली है वो बॉलिंग पे डाली है, क्योंकि ऑलरेडी रोहित ने भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगा उधर जाके कि मैं इतने ज्यादा स्पिनर्स और फास्ट बॉलर क्यों ले सवाल है। तो आपको लगता नहीं है कि ये जिसको कहते हैं जो अभी फास्ट बॉलिंग वाली विकेट है, सवाल मेरा ये कि ये 9 जून को फास्ट बॉलिंग वाली ही होगी या ये स्पिनर्स में तब्दील हो जाएगी? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक दोनों मैचेस के अंदर एक ही पिच यूज हुआ है जो कि चौथे नंबर के ऊपर है, कॉर्नर वाली पिच। अभी दो पिचेस बीच में पड़े जिनके ऊपर अभी शेव होनी है, उनकी ग्रास उनके ऊपर है और एक लेफ्ट साइड का जैसे कहते हैं ना कॉर्नर वाली पिच रहती है, चार पिचेस हैं। तो ये भी हो सकता है कि 9 जून वाली कोई जैसे कहते हैं ना बीच में से पिच चूज कर लें। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ के स्टेडियम की जैसे कहते हैं ना डायमेंशन, वो एक तो 75 एक साइड बनती है जब आप एक एंड से खेल रहे होते हैं क्योंकि वो कॉर्नर होता है, उसके अलावा जो ग्रास है ना वो बड़ी स्पॉन्जी टाइप की है और इतनी मोटी मोटी तो मेरा ख्याल है वो लेयर उन्होंने लगाई हुई है तो वो दबती है। और ये रिसेंटली जिसको कहते हैं ना इन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से ये अभी तक पूरी जो ओरिजिनल बेस थी उसके साथ जुड़ नहीं पाई है, हार्ड नहीं हो पाई है, तो ये बड़ा इफेक्ट डाल रही है जो बाउंड्रीज नहीं हो पा रही। बिल्कुल अजीब सी बात है, अगर आईसीसी का इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उधर, तो अगर इनको देखना चाहिए था कि यार अगर हम ग्रास अभी लगा रहे हैं तो ये क्या इफेक्ट डाल सकता है। उस मुद्दे में दोबारा आते हैं ना, प्लान की बात की है कि पाकिस्तान का प्लान क्या होना चाहिए स्पेशली इंडिया इंडियन टीम के खिलाफ। इंडियन बॉलिंग की नहीं हम बात करते, हम बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि बैटिंग से वो हमें हमेशा कहते हैं ना बीट करते, तो इंडियन बैटिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान का प्लान मेन नजर के अंदर पाकिस्तान को सबसे पहले तो बाबर को एक अटैकिंग फील्ड के साथ जाना पड़ना है। आमिर ने जो 2017 में कैच छूटा था, अजहरुद्दीन ने कैच छोड़ा था ना कोहली का, लेकिन उसके बाद अगली बॉल पे दोबारा विकेट गिरी थी, जिसको कहते हैं ना वो क्या था, एग्रेशन था, एग्रेशन था। और विराट कोहली जिसको कहते हैं ना उसको समझ नहीं लगी थी वो बॉल खेलने कहाँ जा रहा था, बॉल किधर जा रहा था, और ये सेम कैच निकला था 4th T20 इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच के अंदर भी, और उस टाइम पे बाबर ने वहां पे फील्डर नहीं रखा हुआ था। बाबर को पता होना चाहिए कि जो मेरे बॉलर्स हैं जब ये बॉलिंग करेंगे तो ये कहां कहां पे आपको कैचेस निकलवा के दे सकते हैं, इनका जैसे कहते हैं ना सबसे अच्छा इनको फील्डर कहां पे चाहिए होता है। दूसरी चीज ये कि शाहीन शाह अफरीदी, अगर आपने देखा अर्शदीप सिंह इस ग्राउंड के अंदर स्विंग कर रहे हैं, मार्को जेनसन ने इतना स्विंग नहीं किया, मार्को जेनसन को इतना स्विंग नहीं मिला था इस पिच के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो वो जो बॉलर था क्या नाम है उसका, कगिसो रबादा और बार्टमैन, वो थे राइट आर्म फास्ट बॉलर, उनका बॉल बड़ा ज्यादा अंदर आ रहा था क्योंकि वो दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे थे। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि एंड कौन सा किस बॉलर को देना है, पाकिस्तान को पहले ये देखना पड़ना है पिच किस तरह से इन्होंने बनाई हुई है, पिच को रीड करना है और ये फैसला करना है कि शाहीन को किस एंड से बॉलिंग करवानी है। शाहीन को हमेशा उस एंड से बॉलिंग करवाएं जहां से ज्यादा स्विंग मिल रहा है, ताकि आप इंडिया के टॉप ऑर्डर को पकड़े, और टॉप ऑर्डर में सबसे बड़ी चीज है आपकी जिसका कहते हैं रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली, और शायद ये दोनों ओपनिंग भी कर लें, और अगर ये ओपनिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे पहला प्लान ही है कि एज सून एज पॉसिबल इनकी विकेट निकाले। उसने
बड़ी अच्छी बात की है कि फिफ्थ स्टंप के ऊपर कोहली को आउट करो जहां पे उसका वीक पॉइंट है, क्योंकि वंस अगर कोहली सेट हो गया, दूसरी ये चीज आती है कोहली जिसको कहते हैं ना, अगर आप उसको टांग पे बोल दोगे वो बड़े लंबे लंबे छक्के मार देता होता है, और वो जिसको कहते हैं आजकल बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट भी खेल रहा है, तो विराट कोहली को आप टांग पे बोल दोगे वो बड़ा पक्का खिलाड़ी है, उसको आप बीट उधर ही कर सकते हो जहां पे वो जिसको कहते हैं ना स्लिप पे कैच निकलता है या कोर्ट गेंद होके वो आउट हो। अच्छा अवलीश भाई, इसमें मैं चीजें ऐड करना चाहूंगा, आपने बात की कि हम लोगों को 9 जून वाले मैच के अंदर पिच के अंदर चेंजेस अगर मिले, फॉर एग्जांपल फास्ट बॉलर की जगह स्पिन वाली पिच हुई, तो हम इंडियन टीम को ये देखते आ रहे हैं कि पिछले एक आधे टूर्नामेंट में हमने देखा कि इंडियन टीम अगर किसी पॉइंट पे लैग करती थी तो वो उनकी बॉलिंग थी, उनकी बैटिंग लाइनअप मिडल ऑर्डर हर चीज उनकी बेहतरीन थी, वो सिर्फ अपनी बॉलिंग में आके थोड़ी सी मार खाते होते थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी बॉलिंग को उस हिसाब से सेट किया और वो दोनों ऑप्शन के साथ गया, हमारी तरह खाली फास्ट बॉलिंग को नहीं उन्होंने प्रायोरिटी दी, वो स्पिन अटैक के साथ भी गए हैं, फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ भी गए हैं, तो अगर उस दिन इनको फास्ट बॉलिंग की पिच नहीं मिलती तो उनके पास तो स्पिन अटैक है और बहुत खतरनाक। अच्छा, है और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या, इंडिया ने जब जब स्पिन विकेट बनाई है ना, इंडिया के बल्लेबाज खुद भी जिसको कहते हैं ना मुश्किल के अंदर है, क्योंकि सामने वाली टीम के स्पिनर्स पड़ जाते थे, लेकिन इस मैच में ऐसा होगा कि इंडिया अगर स्पिन विकेट भी बना देगा तो इंडिया के बॉलर्स कामयाब होंगे, उनको पता सामने स्पिनर्स है ही नहीं, सामने क्या है शताब खान है, उसने स्पिन विकेट के ऊपर भी आपको हाफ पिच बॉल करनी है, एक इमाद हुसैन को वो रुक के खेल लेंगे, चार ओवर गुजार देंगे, उसके अलावा आपका स्पिनर कौन है, कुछ भी नहीं, इफ्तिकार अहमद से बाबर बॉलिंग नहीं करवाएगा, मुश्किल से एक दो ओवर करवाएगा, उसमें एक को उसको उसको बाउंड्री पड़ेगी, उसको दोबारा सेट डालेगा। अली भी मुझे ऐसा फील होता है कि उस दिन अबरार अहमद को ये जरूर चांस देंगे, अबरार अहमद को मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम इतना जैसे कहता ना अग्रेसिव डिसीजन ले सकता है, क्योंकि बाबर हमेशा ये सोचेगा कि मुझे बैटिंग एंड से जैसे कहता ना एक नीचे सपोर्ट। उमर भाई ये सवाल अलीद भाई के दिमाग में आया कि उस दिन अगर पिच जिस तरह हमने देखा दोनों मैच के अंदर के फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करी, ये सवाल अलीद भाई के दिमाग में आया कि 9 जून को पिच कोई दूसरी ना हो, ये सवाल मेरे दिमाग में मेरे ख्याल से ये है कि हमारी टीम के दिमाग में नहीं आएगा, वो सिर्फ इसको एनालिसिस करेंगे कि ये दोनों मैचेस के अंदर फास्ट बॉलिंग की पिच यूज हुई है, वो अबरार अहमद की जगह शराब के साथ ही जाएंगे कि फास्ट बॉलिंग अटैक तो हमारे पास है, ये चीज उन्होंने सोच ली है, ऐसी बात नहीं है, अब जब टॉस से पहले जब उनको पता ही होगा ना, एक दिन टॉस से पहले तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा, स्टेडियम में करते हैं तो उसको पता चल जाएगा, लेकिन रीड कैसे करेंगे पिच ये बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर फ्रेश पिच हुई तो कैसे बिहेव करेगी किसी को नहीं पता वो किस तरह से बिहेव करेगी, लेकिन फिर से मैं कहूंगा जो प्लान की बात की है, विराट कोहली को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से पकड़ सकते हैं, वो है कि उसको पहले ओवर के अंदर आते साथ पहला या दूसरे ओवर में उसको आउट कर लो, रोहित शर्मा सबसे पहला आपका जैसे कहते हैं कोहली को भूल जाए, सबसे पहली आपकी जो शिकार है ना वो है रोहित शर्मा, अगर आपने 6 बॉलों के अंदर रोहित को आउट नहीं किया, 6 को छोड़े 12 बॉल्स के अंदर आपने रोहित को आउट नहीं किया, तो आप वैसे ही अपने मैच को इसको कहते हैं ना 25% लॉस कर चुके हैं, क्योंकि वो फिर छोड़ेगा नहीं, बड़ा एग्रेसिव स्टार्ट दे देगा, फिर नीचे वालों को सपोर्ट मिल जाएगी तेज खेलने के अंदर, वो अपनी सुकून से गेम खेल लेंगे, अगर आपने रोहित को आउट कर दिया आपका जिसको कहते हैं ना प्लान ए जो होगा वो 25% कामयाब हो गया, उसके बाद आपका टारगेट है कोहली को आउट करना, कोहली को अगर आपने आउट नहीं किया, कोहली को आपने 2 से 3 ओवर दे दिए तो आप समझे कि आपका मैच फिर से कहते हैं 30-40% हाथ से निकल गया, आपके लिए जरूरी यह है कि हमेशा पाकिस्तान तभी इंडिया के खिलाफ जीतता है जब पाकिस्तान रोहित को आउट करता है फौरन कोहली आउट हो जाता है, फौरन कोहली आउट हो जाता है, बस वो पता नहीं 2021 का वर्ल्ड कप का मैच है जिसमें कोहली ने 50 मारा तब भी इंडिया हार गया था, जैसे कहते हैं ना होता नहीं है ऐसा, तो ये बड़ा जरूरी है कि कोहली को भी फौरन आप लोग जैसे कहते हैं ना आउट करें, कोहली को जैसे कहते हैं विकेट निकाले, ताकि आप जैसे कहते हैं ना एक यंग टीम को सामने लेकर आए। देखिए यहाँ पे मैं एक सवाल और आप दोनों के लिए ऐड करना चाहूंगा कि एक ऐसा प्लेयर है जिसको अभी तक पाकिस्तानी टीम ने फेस नहीं किया और वो हम लोगों को इंडियन टीम के अंदर से नजर आ रहा है कि कैसे उम्दा परफॉर्मेंस करके नजर आ रहा है, मैं जायसवाल की बात कर रहा हूँ, तो इनकी जो स्ट्रेटेजी जायसवाल के लिए होनी चाहिए ना कि अगर तो इन लोगों ने ओपन ही उससे करवा दिया, विराट कोहली की जगह जायसवाल आ गया, तो उनके हिसाब से इनकी स्ट्रेटेजी तो वहां पर 25 करके भी 75% फेल हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन यार जायसवाल अभी नया है बिल्कुल, और उस तरीके से हमें उससे डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे साथ जो परफॉर्मेंसेस देता आ रहा है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, अगर हमने उनको कामयाब कर लिया, उनको आउट करने में कामयाब कर लिया तो वैसे ही मोरल काफी हो जाएगा, और अगर वो ओपनिंग कर रहे तो मेरे ख्याल से जायसवाल तो खिलाए भी ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का तीसरा प्लान भी होना चाहिए, तीसरा प्लान ये होना चाहिए पाकिस्तान का, अगर
रोहित और कोहली चल गए हैं, अगर रोहित और कोहली चल गए हैं तो नहीं, रोहित और कोहली आउट हो गए, तो मेक श्योर करें कि आप नीचे वाले बल्लेबाजों से मार ना खाएं। जैसे ईशान किशन हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप लगी, वो एशिया कप में 260 लेकर चले गए थे, ये वाली गलती ना करें, क्योंकि इंडिया ने जो प्लेइंग 11 खिलानी है उसके अंदर उन्होंने शिवम दुबे को भी एडजस्ट करना है, वो बड़ी लंबी, और शायद वो अक्षर पटेल को भी एडजस्ट कर ले अपनी बैटिंग लाइन। बेसिकली मुझे लगता है आप कहना ये चाह रहे हो कि इंडियन टीम को पाकिस्तानी टीम जैसा ना समझें, कि हमारे अगर ओपनर्स गए, हमारा मेन ओवर टॉप ऑर्डर गया, तो फिर मिडिल ऑर्डर चौक करेगा ही करेगा। नहीं, हो भी सकता है यार, क्योंकि अगर कोहली अगर ओपनिंग करने जा रहा है और कोहली की अगर जल्दी विकेट गिर जाती है तो प्रेशर ऑब्वियसली पड़ेगा इंडियन टीम, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ओवर भी बात यह है कि मैं जो पॉइंट ये रेस कर रहा हूँ कि उनका मिडल ऑर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनकी टीम के अंदर हमने देखा है कि अक्सर चौक करने को नहीं मिलता टॉप ऑर्डर के बाद, जबकि हमारी टीम के अंदर हम देखें कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर फेल होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मिडल ऑर्डर भी फेल हो जाता है, ये चीज इंडियन टीम में नहीं है। बिल्कुल यही तो बात थी कि अब जो प्लान हमारा क्या होना चाहिए इनके खिलाफ, प्लान आपको बता दिया कि बॉलर्स को अटैक करना है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चले बैटिंग की तो हमने बात कर ली कि आप जैसे कहते हैं नए बॉल से विकेट निकालेंगे, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लिए टॉस जीतना भी बड़ा जरूरी है। देखिए टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, पहले बल्लेबाजी करना मोस्ट से कम नहीं है, साफ सी बात है। पहले बल्लेबाजी आपने जब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की हिस्ट्री भी निकाले, चारों दफा लास्ट के चारों मैचेस चेज हुए, दूसरा इस ग्राउंड के अंदर जहां पे मैच, यहां पे पता ही नहीं कितना टारगेट देना है, यहां पे आपको ये सबसे बड़ी मुसीबत है, जब पहले बल्लेबाजी करोगे ये पिच 120 वाली है या 160 वाली है, ज्यादा की तो सोच ही नहीं सकते। अब आप पहले बल्लेबाजी करके आपको ये समझ ही ना लगे आप आउट हो जाए, दूसरी बारी में जो प्रेशर क्रिएट करना होता है, अगर आपके बोर्ड पे डंप ही कम हो तो आपने कहां का प्रेशर क्रिएट करना, ये बड़ा बड़ा मुसीबत है। यहां पे टॉस जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, टॉस जीतेंगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज इसको कहते हैं ना बड़ा मुश्किल हो जाना है। और फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपने बल्लेबाजी उनकी पकड़ भी ली तो आपकी आपने उनकी बॉलिंग को कैसे खेलना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा थ्रेट उसमें दो मैं समझता हूँ, उसमें एक अजदीप सिंह और कुलदीप यादव जो कि हमेशा हमें आउट क्लास करते हैं। बिल्कुल, तो इनके खिलाफ भी प्लान क्या होना चाहिए, देखो ना अब बाबर कहता है जब आर्चर का सवाल पूछा गया तो हम इतनी पेस को अपने नेट्स में खेलते हैं, उन्होंने दिखाया भी, उसने आर्चर को अपडेट कर दिया था स्टार्टिंग के अंदर, और एंड पे जब आर्चर से आउट हुआ आखिरी मैच में वो भी अपनी गलती से आउट हुआ उसको कैच पकड़ा के, लेकिन सेम बाबर का दिमाग में ये भी चीज होनी चाहिए कि अगर अर्शदीप इतना स्विंग कर रहा है तो हम नेट्स के अंदर शाहीन और आमिर का भी स्विंग खेलते रहते हैं, हमें आदत है स्विंग खेलने वाली, ये कॉन्फिडेंस उनको लेकर आना पड़ना है। दूसरा ये कुलदीप यादव, कुलदीप यादव जैसा बॉलर ये लोग जिसको कहते हैं ना पूरे साल में एक ही दफा फेस करते हैं जब ये इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, और ये बड़ा यूनिक टाइप का बॉलर है, ये पाकिस्तान को पकड़ लेता होता है। अब इसके खिलाफ पाकिस्तान का क्या प्लान होना चाहिए, देखिए कुलदीप के खिलाफ वही कामयाब होता है जो अच्छी स्वीप खेलना जानता हो, बाबर स्वीप अच्छी नहीं खेलता, बाबर स्वीप के चक्कर में LBW होता है, रिजवान आपके पास एक ऑप्शन बचता है, फकर जमान आपके पास एक ऑप्शन बचता है जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, बाकी आप जैसा कहते हैं पूरी बैटिंग लाइनअप में बाकी इफ्तिकार अहमद और शादाब खान तो देखते रह जाएंगे बॉल की तरफ, उनको पता भी नहीं चलना किलियां उड़ जाएंगी, आजम खान का जैसा कहते हैं ये सेम हाल है आपका, फकर जमान देखो मैंने कुलदीप को नोट किया है पिछले दो साल के अंदर, मैंने देखा है जब जब कुलदीप के खिलाफ अटैक हुआ ना पहले ओवर के अंदर कुलदीप की लाइन लेंथ खराब हो जाती होती है, लेकिन जब उसको पहले ओवर के अंदर ही वो जिसको कहते हैं डोमिनेट करता है ना फिर वो आपके खिलाफ ऐसा पक्का हो जाता है, फिर वो जिसको कहते हैं ना आपको नेड़े भी नहीं लगने देता, फिर उसका बॉल ठप्पा लग के वो बटर वाला बॉल याद है कैसे विकेट पे लगा था, बाबर उसने कैसे आउट किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल कुलदीप को ये नहीं कह रहे हम कि कुलदीप को मेडन बिल्कुल खेल देंगे सारे ओवर, थोड़ा सा रोटेशन पे रखे, एक आधा चौका तो वैसे ही आ जाता है अगर अच्छी रोटेशन चल रही हो बैट्समैन की तरफ से, तो ये नहीं कहते कि कुलदीप को आते ही मारना शुरू कर दे क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि उसको रोटेशन में रखे, थोड़ा सा ऑन स्ट्राइक चेंज करता रहे बाबर ये रिजवान जो भी है, और एक आधा चौका तो वैसे ही बॉलर गलत बॉल डाल के बॉलर खा जाए। एग्जैक्टली, तो पाकिस्तान का प्लान जो होना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट इन सिंपल वर्ड्स वो यही होना चाहिए कि अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको रोहित शर्मा पहला टिक है, दूसरा विराट कोहली टिक है, और तीसरा यह है कि आपने उनके मिडल ऑर्डर से बल्लेबाजों को सेट नहीं होने देना, आपने उनकी पार्टनरशिप नहीं लगने देनी, आपने डोमिनेट करना है एंड तक, आपके बॉलर्स बाबर को एग्रेसिव कैप्टनसी करनी है, स्लिप लगाए रखनी चाहे कुछ भी हो जाए, फील्डर्स जो बॉलर चाहते हैं जहां पे एज निकलते हैं अक्सर वहां पे फील्डर सेट किए जाए, और कोशिश ये करनी है कि पिच को सही तरीके से रीड करे, स्पिन पिच है तो स्पिनर्स को तरजीह दे, ब्राड अहमद को खिलाए, अगर फास्ट बॉलिंग हल्की सी भी मदद नजर आ रही फिर अपने चार तगड़े फास्ट बॉलर के साथ जाए, लेकिन अगर खुदा ना खासा पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो फिर पाकिस्तान का प्लान इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ ये होना चाहिए कि बाबर और रिजवान को ही ओपनर भेजे और इनसे कहें कि अपने जिसको कहते हैं ना सुकून से खेले, स्ट्राइक रेट को भूल जाए, विकेट्स बचा के रखें और सेट हो,
क्योंकि यहाँ पे अगर पाकिस्तान 160-170 कर जाता है वो 200 से कम नहीं होगा जैसी जगह है। और सबसे बड़ी चीज ये बनती है कि पिच की बात शर्तें यही हो कि ये वाला पिच हो, क्योंकि ओपनिंग अगर अच्छी चलेगी तो नीचे वैसे प्रेशर नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या, चलो पिच चेंज भी हो जाए, ग्राउंड तो यही रहेगा, इस ग्राउंड के ऊपर बॉल फिरता ही नहीं है, इतनी मोटी लेयर है, वो सॉफ्ट है, वो दबते हैं, इसकी वजह से बॉल रुक जाता होता है। तो पाकिस्तान के माइंड में यही होना चाहिए कि बाबर और रिजवान को जितनी बॉलें खिलानी है इनको खिला दो। आज कुशाल मेंडिस उतना स्लो नहीं खेलता होता लगता था, 25 बॉले खेल गया था वो, और हिट भी अच्छे किया उसने, हिट भी अच्छे किया, लेकिन वो बाउंड्री तक बॉल जा ही नहीं पाया। ये मैचेस आपके लिए एग्जांपल है। खैर जो भी है, पाकिस्तान का प्लान आगे जाके हम आपके साथ और शेयर करते रहेंगे, पाकिस्तान का प्लान इनके खिलाफ किस तरह का होना चाहिए।